वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएससी के जो रैप अप है, मींस लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग या मॉप अप राउंड बोला जाए या समापन मैचिंग बोला जाए, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे होगा और आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे चीज़ें डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो में कंक्लूड करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो एमएससी बीएल 2080/2081 की जो प्रोग्राम चल रहा था, इंग्लिश नेपाली डेट इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर एमएससी बीएल 2024 इंग्लिश में लिखा जा रहा है तो इसमें काउंट करेंगे तो एक्चुअली में ये सेशन 2023 की है, लेकिन 2024 में कुछ प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए इसको काउंट, क्लासेस जो है फरवरी 12 से स्टार्ट हुई है इसकी। तो इसमें वो बच्चा, कौन कौन बच्चा एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है, वो बच्चा एलिजिबल है जिसने एमएससी के पास लिस्ट में उसकी नाम आया है वो बच्चे आ सकते हैं। दूसरे कहने का मतलब वो बच्चा जिसने अभी किसी भी प्रोग्राम में नेपाल में एडमिशन नहीं ली है उस बच्चे एलिजिबल है। वो बच्चा जिसने प्रायोरिटी ऑर्डर फिलअप किया है या नहीं किया वो बच्चा एलिजिबल है। वो बच्चा कहने का मतलब जिसने अभी भी किसी भी फॉरेन स्कॉलरशिप में उसका अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला है वो बच्चा है। वो बच्चा जिसने कहीं भी अब्रॉड स्टडी के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं लिया है वो सारे बच्चे एलिजिबल है। मीन्स 5 क्राइटेरिया आपको एलिजिबल कराता है। उसमें आते हैं वापस अप्लाई करने के लिए फागुन 1 से लेके फागुन 7 के 5 बजे तक अप्लाई करने की टाइम है। तो इसका मतलब क्या हो गई कि आज फागुन 4 है तो अप्लाई शुरू है, आप भी अप्लाई कर दीजिए अगर आप भी पास लिस्ट में नाम है और आप कहीं भी फॉरेन एजुकेशन के लिए एलिजिबिलिटी नहीं लिए हैं या आपको कोई भी एडमिशन कहीं भी नहीं लिए हैं। तो उसके बाद इसकी कहाँ पर काउंसलिंग होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो टोटली ऑफलाइन है। ये मेडिकल एजुकेशन की ऑफिस सानथ में भक्तपुर में है, वहीं पर जाकर आपको कराना पड़ेगा और वहीं पर ये रैप अप होगा, फिजिकली होगा, उस पर भी आएंगे। तो इसके अप्लाई कैसे कर सकते हैं, लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा, तो कैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हैं, तो जैसे आप अपना स्टेटस देख रहे थे और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किए, उसी प्रोसेस से जाना है, वहाँ तक जाना है, स्टेटस तक जाना है। वहाँ पर एक देखेंगे कि एक आपको एक्शन बटन की होगा, वहाँ पर आप देखेंगे तो आएगा लिखा हुआ अप्लाई फॉर वाप अप, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे मीन्स कन्फर्मेशन लिया जाएगा, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर रैप अप, तो वहाँ पर आईएस आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद लिखना शुरू हो जाएगा यू हैव अप्लाइड फॉर रैप अप एमएससी बीएल 2024, इस तरह से लिखना शुरू हो जाएगा तो आपने अप्लाई कर दी। फिर से रीचेक कर सकते हैं आप सेकेंड बार, फिर से लॉगआउट कर लॉग इन कर कि वहाँ पर क्या आ रहा है। ये चीज़ें हो गई। रैप अप जो है फिजिकली होने वाला है, कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है और इसके लिए आपको मेडिकल एजुकेशन के ऑफिस ही में जाना पड़ेगा। अब आते हैं कि डिटेल्स डेट्स वगैरह क्या है, तो देखिए डिटेल्स नोटिस विथ नेम लिस्ट, जो भी बच्चे अप्लाई किए हैं उसकी नेम लिस्ट रैंक के हिसाब से आपको फागुन 10 को एमएससी की वेबसाइट पर शो हो जाएगा, मींस पब्लिश हो जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं। जो रैप अप मैचिंग है उसको कहने मतलब कि फागुन 14 को स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स 14 से शुरू हो जाएगा, और एडमिशन ओपन है वो फागुन 17 से शुरू हो जाएगा और फागुन 22 को क्लोज हो जाएगा 5 बजे ये। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा आपको, मीन्स रैप अप में आप पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी आपने फॉर्म फिलअप, मीन्स 10 क्लास के एंड 12 क्लास की मार्कशीट लगेगा आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हुए रखे थे। उसके बाद एमएससी बीएल 2024 का एडमिट कार्ड लगेगा आपका। उसके बाद आपको स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपने एडमिट कार्ड जहाँ से डाउनलोड किए हैं उसी के नीचे आपको स्कोर कार्ड भी अवेलेबल होगा, अगर आप पास हुए हैं तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओरिजिनल सिटीजनशिप लगेगा, ये कर जाना है ओरिजिनल। यही रहा सारी डिटेल्स, और मोर डिटेल्स नोटिस फागुन 10 को एमएससी की वेबसाइट पर पब्लिश होगा। तो आप मींस अभी आप प्लानिंग में हो कि एडमिशन लूंगा कि नहीं लूंगा, कौन कॉलेज मिलेगा कौन कॉलेज नहीं मिलेगा रैप अप में, तो मैं सबसे सिंपली सजेस्ट करूंगा आपको अप्लाई करने के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप अप्लाई कर दीजिए। उस दिन आपकी रैंक लिस्ट कहाँ जा रही है उस हिसाब से आपको कॉलेज की प्रिडिक्शन अंदाजा आ जाएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है और पर्सनल इंटरेक्शन जरूरी है तो आप दी गई व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर पूछ सकते हैं। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।